फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने गोधरा फाइल्स को लेकर दिया विवादित बयान, जनता ने कर दिया ट्रोल। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अक्सर अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करते दिखाई देते हैं। विवेक कोई न कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिलता है। हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान जब किसी पत्रकार ने डायरेक्टर से पूछा कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई के बाद क्या वो गोधरा फाइल्स बनाने वाले हैं, इस सवाल पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मुझे गोधरा फाइल्स बनाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन फिल्म की शुरुआत ट्रेन जलाने वाली घटना से होगी। डायरेक्टर के इस बयान के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर जनता ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस तरह के बयान का विरोध किया है। एक यूजर ने लिखा, देखो और थोड़ा सा दिमाग है तो सोचो कैसे ये बीजेपी के नेता लोग आम जनता का अनुपयोग कर रही है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हाँ तो शुरू करना यही तो देखना चाहती है जनता। नफरत को बेच बाजार में खरीदार बहुत है और सच दिखाना गोधरा और गुजरात का। वहीं एक और यूजर ने कहा, गोधरा फाइल्स का और दिल्ली फाइल्स का वेट कर रहे हैं हम। वहीं एक और यूजर ने कहा, आप जरूर बनाइए सर जी, सबको सच्चाई दिखाइए, स्वागत है जी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हिम्मत है, पूरी ईमानदारी से पुलवामा फाइल बनाओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, ट्रेन जलाने वाली घटना की प्लानिंग कहाँ हुई थी, ये भी दिखाना ऑस्कर मिल जाएगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही है, पहले 30 मिनट ट्रेन जलाने को दिखाना, बाकी 2 घंटे और 30 मिनट मुसलमानों की बेदर्दी से कत्ले, बलात्कार और हत्याओं को दिखाना। वहीं एक और यूजर लिखती है, ट्रेन जलाने की साजिश कैसे की गई हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए, और उसमें गुजरात का कौन शामिल था, वहां से शुरू करना। विवेक अग्निहोत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।